आज यही होना चाहिए, अब मेरे ऑफिसर्स का मेरा कि अब आप लोगों को फैसिलिटेट करें। नो डाउट मैं अब लाहौर में एसी भी रहा हूँ, डिप्टी कलेक्टर, एडिशनल कलेक्टर, कलेक्टर भी इधर रहा, आप चीफ कलेक्टर बन गए, कुछ बुजुर्ग साथी बैठे हुए हैं जो आप बुजुर्ग बन गए हैं तो उनको मैंने पहचान लिया। मैं एसी होता और ट्राइपॉड पे मेरे पास आया करते थे मुगलपुरा। तो ये प्रोसेस है, उसके बाद आप लोगों से ज़्यादा, मुझसे ज़्यादा आप लोगों को अपना हमदर्द कोई नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने स्टेप वाइज सारा आपको देखा हुआ है कि आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी ये होती है कि हम अपनी कंसाइनमेंट क्लियर करवाएं। आप लोग खुद भी ये पसंद नहीं करते कि जी कोई इसमें हर्डल आए और हम किसी खप में पड़े। दैट्स वाई वो आप लोगों ने पॉइंट आउट किया कि हम लोग कोशिश करते हैं कि ऑफिसर तक ना ही जाना पड़े तो हमारा प्रॉब्लम नीचे सॉल्व हो जाए। मगर अब ऑफिसर आ जाए हैं तो उनको फ़ायदा ये है कि वो आप सब लोगों के मसाइल फर्स्ट हैंड उनको पता चलते हैं। और नेक्स्ट अब इंशाल्लाह एफबीआर ने तैयारी कर ली, पाकिस्तान के बिजनेस में बहुत बड़ा जो रेवोल्यूशन आ रहा है वो पाकिस्तान सिंगल विंडो अब बिल्कुल तैयार है। और उसके बाद तो आप अंदाज़ा नहीं कर सकते कि विद इन ए ईयर बिजनेस प्रोसेस सारे कितने चेंज हो गए। 75 पाकिस्तान के डिपार्टमेंट्स जो है, पाकिस्तान कस्टम्स इसको लीड कर रहा है, 75 पाकिस्तान के डिपार्टमेंट जो है वो पाकिस्तान सिंगल विंडो का हिस्सा है और उन सब की ऑनलाइन एक्सेस होगी। और आपको अब ये नहीं करना पड़ेगा कि जी मैंने वी बॉक में ईडी डाल दिया, प्लांट प्रोटेक्शन वालों के पास क्वारंटीन सर्टिफिकेट के लिए जाना है या किसी दूसरे वो ड्रैप के पास कोई फार्मास्यूटिकल का एनओसी लेने के लिए जाना है। वो मतलब एफबीआर हैज़ मेड इट्स प्रिपरेशंस, हमने प्राइम मिनिस्टर साहब को भी इन्फॉर्म कर दिया है कि हम पाकिस्तान सिंगल विंडो के लॉन्च के लिए तैयार हैं। तो सिंगल विंडो जब लॉन्च हो जाएगी तो हमारा ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस का बहुत ज़्यादा हमारा ग्राफ ऊपर जाएगा। हमारी उसमें जो सिंगल विंडो है उसमें इम्पोर्ट भी शामिल है, एक्सपोर्ट भी शामिल है, ट्रांजिट ट्रेड भी शामिल है। तो उसमें अब हमें उस वक्त जब ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की हमारे ग्राफ ऊपर जाएगा तो फॉरेन एफडीआई जो है डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वो भी आएगी और एफबीआर जो है ना उसके बाद आपके मसाइल बहुत कम हो जाएंगे कि आपको बार बार किसी वजह से एफबीआर को अप्रोच करना पड़े कि जी हमारे किसी जगह कोई इशूज रिजॉल्व नहीं हो रहे। तो ये एक ऐसा फोरम बन जाएगा कि उसमें और आपका इंटरेक्शन मिनिमम हो जाएगा। अदरवाइज़ वो हम वी बॉक में हम लिख देते हैं कि जी ये हमने तो कार्रवाई पूरी कर ली, अब उस डिपार्टमेंट के एनओसी के इंतज़ार है और आप लोगों को भी खपना पड़ता है उस एनओसी के लिए। अब वो एनओसी सीधा उनकी डेस्कटॉप पे जाके खुलेगा, अगर वो एनओसी के लिए एंटर करते हैं तो उनको जो है ना इसकी वो फिर वो सज़ा उनके ज़िम्मे है जो भी उनको उनके साथ खड़े हैं। तो इसके बाद